क्या हम ये मानकर चले कि ममता बनर्जी की लड़ाई फिलहाल देश में दो मोर्चे पर है, एक मोर्चे पर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, और दूसरे मोर्चे पर कि बीजेपी के खिलाफ सबसे ताकतवर कौन है? कांग्रेस का कमजोर होना अब ममता को क्या महत्वाकांक्षा दे रहा है कि वो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर बन के सामने आए, उन्हें सबसे बड़े लीडर के तौर पर उनकी पार्टी को मान्यता मिले, और जो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है, यानी कांग्रेस के छाते के नीचे नहीं, ममता के छाते के नीचे सारी पार्टियां आए, तब जाकर अपोजिशन यूनाइटेड होगा। क्या इसका मतलब हम ये निकाले? और अगर ऐसा है तो फिर ये कितना मुश्किल भरा है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी दावा करती है कि विपक्ष उसके छाते के नीचे ही रहेगा। तृणमूल कांग्रेस का सपना ऐसा ही है मनोमन, और उन्होंने ये स्पष्ट जाहिर कर चुका है कि वो चाहते हैं कि जो एक छाते के नीचे तमाम जो विरोधी दल है वो सब आना चाहता है, और उसके अगुवाई तृणमूल कांग्रेस करेंगे, उनके मुखिया ममता बनर्जी खुद बनेंगी। और उन्होंने आज इस जब वो जो जो 21 जुलाई की रैली को संबोधित कर रहे थे, उसका जिक्र उन्होंने भी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि संभावना ये रह जाती है कि शायद प्री पोल अलायंस की बात ना करते हुए उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, किसी भी हद तक पहुंच कर तृणमूल कांग्रेस इस अगुवाई के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश वो जरूर करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर उनका सोच इस तरीके से है तो अगर ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर जब उपराष्ट्रपति चुनाव होना है तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऐसा ही हमारा उम्मीद रहेगा कि तमाम जो दल है, चाहे वो एनसीपी हो जाए या फिर देश के अन्य हिस्सों के, चाहे वो साउथ के जितने भी तमाम पार्टी है जो विरोधी पार्टी है, वो एक साथ आएंगे और ममता बनर्जी के जो फैसला है उसको अहम तौर तरीके से मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज खटक रहा है तृणमूल कांग्रेस को। अब देखने वाली बात होती है कि, और रोचक भी होगा कि ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद कांग्रेस, एनसीपी और तमाम जितने भी विरोधी पार्टी है उनके तरफ से क्या इसका जवाब दिया जाएगा, क्या वाकई में उनके पास कोई जवाब है। लेकिन ये एक तरीके से ये स्पष्ट दिखा रहा है कि एक दो तरफा राय है। तृणमूल कांग्रेस कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसको अगुवाई करना, इस ऑपोजिशन फ्रंट को और भी सामने लाना। हालांकि हमने शुभंकर पहले भी कई बार देखे थे, खासकर 2019 का जिक्र करना चाहूंगा, इसी कोलकाता में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले कैसे तमाम जो विरोधी दल के नेता थे वो एक तरीके से आए, थर्ड फ्रंट की एक बात की गई, सब एक तरीके से एक शोकेज भी किया गया, तमाम नेता एक डायस पर थे, तो लग रहा था कहीं ना कहीं बन रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरीके से एनडीए की सरकार सामने आ गया, तो ममता बनर्जी कि ये शुरू से एक मुहिम रही है कि वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन के फ्रंट को बढ़ावा दिया जाए, उनको आगे लाया जाए। लेकिन अगर बात इस तरीके से, और अगर आज जिस तरीके से अभी भी बैठक चल रही है, हम कोशिश करेंगे और भी इसके ज्यादा जानने की, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि 85% जो सांसद आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिए थे उन्होंने कहा, उन्होंने दोनों फैसला, उन्होंने इसको समर्थन किया कि जो ऑपोजिशन के जो चेहरा है यानी उम्मीदवार जो है मार्गरेट आल्बा, उनको समर्थन ना करते हुए वो लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन ये स्पष्ट दिखाता है कहीं ना कहीं मनमुटाव है ऑपोजिशन में। अगर ये आगे चलकर इसमें सुधारी नहीं आई या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इसमें सुधारी लाने की कोई मुहिम नहीं उठाई गई तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में, खासकर लोकसभा चुनाव से पहले, जब एक महत्वपूर्ण आपका कह सकते कि मजबूती को लेकर वो आगे बढ़ना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रभाव, उसका भी बुरा असर, उसका भी प्रभाव उसको झेलना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होती है कि कांग्रेस या तमाम जो विरोधी दल वो किस तरीके से देखती है। हालांकि सवाल ये भी किया गया था अभिषेक बनर्जी के सामने, क्या इसके लिए वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्या उसका मानना है कि कांग्रेस ने उनसे बात नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैंने मुझे कोई पर्टिकुलर पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना है। वो मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस कर लेकर उन्हें चलना चाहिए था, इस पर उनसे बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन यह स्पष्ट है कि आज जो फैसला कोलकाता में लिया गया है उसका प्रभाव, उसका खलबली शायद दिल्ली में आपको भी मिल रहा होगा अब तक। बिल्कुल बिल्कुल, और वो देखने को मिल रहा है, आपने तमाम जानकारियां दी। अब जरा ये बताइए कि भविष्य में हम क्या देख रहे हैं, अब यहां से 24 बहुत दूर नहीं है, और पिछली बार बीजेपी ने बंगाल में कम से कम लोकसभा चुनावों में बड़ी सेंधमारी की थी। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने पाले में कर लिया, कई सारे सांसद, गायक, कलाकार, बहुत सारे लोगों की वापसी जो है टीएमसी में हो गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की स्थिति क्या है, और क्या बीजेपी जो 3 से 77 पहुंची थी, 16-18 लोकसभा सांसद लाई थी, इस बार लोकसभा चुनाव में करिश्मा दिखा पाएगी, या माने कि नहीं ममता ने बिल्कुल व्हाइट वॉश कर रखा है?
देखिए आपको एक 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 एक, एक टाइम लैप्स में या फिर आपको एक टाइम जोन में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है 2019 से पहले धीरे धीरे जो जो बीजेपी की पार्टी जो इस बंगाल में कुछ नहीं था कब, तब खासकर उत्तरी बंगाल जो है वहां से उनको कुल मिलाकर 18 सीटों में वो अपने उम्मीदवार जो है बीजेपी के उम्मीदवार वो सांसद बनकर आते हैं। वो एक तरीके से ऑक्सीजन था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आगे हमने चलकर देखा कि विधानसभा चुनाव आते आते एक तरीके से एक हुजूम बन गया था, लोग उनके खेमे में जाने लगे। तमाम तृणमूल के जो नेता रहे या फिर चाहे वो मंत्री रहे या फिर सांसद रहे, वो बीजेपी के नेता बन चुके थे। तो एक तरीके से ये गुंजाइश थी कि शायद बीजेपी अपना पकड़ बना पाएंगी और शायद वो सरकार भी गठन करे, लेकिन फैसला आते आते हमने देखा कि तृणमूल बीजेपी के तमाम जो तैयारी थे वो खत्म हो चुके। और अब का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में खासकर विरोधी के अंदर, विरोधी पक्ष यानी चाहे वो वामपंथी हो खासकर बीजेपी हो, तो उनके अंदर एक तरीके से एक सांगठनिक जो आप कह सकते हैं कि मजबूती वो नहीं दिख रहा है उस तरीके से, और इस बात को बीजेपी के नेता भी मानते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में एक अहम लोकसभा चुनाव में उन्हें लड़ना है, तो एक तरीके से उन्हें वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस एक तरीके से तमाम जो नेता है, चाहे वो बाबुल सुप्रियो हो, अर्जुन सिंह हो या फिर और कई सारे नेता जो तृणमूल में वापस शरीक हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए राज्य में उतने चेहरे बचे नहीं है, उतने लीडरशिप बचे नहीं है, तो एक लीडरशिप क्राइसिस बीजेपी के अंदर है। तो अगर लोकसभा की बात की जाए तो हमें जितना मालूम पड़ रहा है और यहां पर जमीनी हकीकत जो है शुभांकर, बीजेपी सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे केंद्रीय नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, पिछले हफ्ते भी केंद्रीय नेता हमने यहां पर पहुंचे थे, हमने देखा कि स्मृति ईरानी यहां पर पहुंचते हैं, हालांकि उन्होंने कोलकाता मेट्रो की एक उद्घाटन समारोह में वहां पर उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन उससे पहले दो दिनों तक हावड़ा जैसे एक जगह में उन्होंने अहम बैठक बुलाई, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की, समझने की कोशिश की। उनसे पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे, तब बहुत सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने भी दो दिनों के उनके सफर के दौरान उन्होंने बैठक की और समझाने की कोशिश की कि किसी तरीके से आगे के दिनों में बढ़ना है। तो तृणमूल एक कॉन्फिडेंस जगह में है, तृणमूल ये सोच रहा है कि बीजेपी फिलहाल उतना प्रभावशाली, उतना शक्तिशाली अब बचा नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर तृणमूल कांग्रेस विरोधी चेहरा बनकर उभरना चाहती है, और अगर उनका अनबन चल रहा है और उनका मनमुटाव चल रहा है तमाम विरोधी दलों से, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी सुकूनदेह नहीं है, ये उनको समझना चाहिए।